हेलो दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ आपका साइन ऑन अभी क्लासेस के छोटे से परिवार में। चलिए आज का जो ये टॉपिक है स्टार्ट करते हैं, वो हमारा टॉपिक है क्लास नाइन्थ के नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति का। इसमें हम नॉर्मली पढ़ने वाले हैं कि कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी डेसिमल नंबर को एक नंबर लाइन पे यानी संख्या रेखा पर किसी भी दशमलव संख्या का निरूपण कैसे करते हैं। इससे पहले क्लास नाइन्थ यानी नंबर सिस्टम का हमने जो पहले वीडियो बनाया था उसमें हमने पढ़ा था कि कैसे हम इरेशनल नंबर इरेशनल के बारे में बात किए थे, कैसे इरेशनल नंबर पहचानते हैं, इरेशनल नंबर क्या होता है, उनको प्रूफ करने का तरीका पढ़ा था, यानी उनको रेशनल से हमने टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग जो भी चीजें थी वो हमने पिछले क्लास में पढ़ चुके थे। तो अभी तक अगर आपने वो पिछला क्लास नहीं देखा है क्लास नाइन्थ का, तो जाकर आप पहले उस क्लास को देखें फिर इस चीजों को समझे तो अच्छे समझ में आएगी। उसके लिए मैं उस वीडियो का लिंक पूरा प्लेलिस्ट नीचे दे दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक को खोलिए और आप अपने पुराने वीडियो को देख लीजिए। चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए आते हैं अपने टॉपिक पे। हमको दिखाना क्या है नंबर लाइन पे, तीन सवाल हैं, इनको दिखाते हैं। चलिए 1.423 कैसे दिखाएंगे पहले उसको देखते हैं। सबसे पहले चीजों को थोड़ा सा प्यार से समझिए, कोई परेशानी नहीं होगी। अगर देखा जाए, अगर आता हुआ तो बहुत आसान चीज है, अगर नहीं आएगा तो बहुत परेशान करेगा। अब क्या करना है हमको आपके क्लास में, कैसे करना है, तो सबसे पहले आप देखिए जो नंबर है, आपको एक नंबर लाइन चाहिए। आप अपना एक नंबर लाइन रिप्रेजेंट कर लीजिए, ड्रा कर लीजिए। यहां पे अब आप जानते हो कि मान लेते हैं हम यहां पे, यहीं पे मान लेते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये नंबर के बीच की दूरियां आप बराबर रखिएगा ताकि आपको सॉल्व करने में आसानी हो, ठीक है। इसके लिए आपके पास जो कॉपी आएगी ग्राफ की, उस ग्राफ की कॉपी में प्रॉपरली इसमें अरेंजमेंट होता है, 10-10 लाइन होता है एक खानों के बीच में, तो आपको उसमें परेशानी नहीं होने वाली। अब आप जरा चेक करो जो आपका नंबर है 1 point something है, यानी कि एक से ज्यादा है। अगर मैं इस नंबर को चेक करता हूं तो यह है 1 point something। 1 point something मतलब एक से बड़ा है, लेकिन ये नंबर 2 से छोटा है। यानी मैं बात करूं तो ये जो नंबर होगा वो 1 और 2 के बीच में आएगा। कौन सा? ये एक एक करके आगे चलो, आगे 1.4। यानी एक जो आपका होगा 1 होगा और दूसरा है 2, इसी के बीच में वो नंबर आपको होने वाला है। कौन सा? 1.423। तो यहां पे एक और नंबर लाइन हमने ले लिया, ये आपका क्या था 1, और यहां पे लास्ट पे आपके क्या हो गया 2, यानी एक 1 हो गया दूसरा 2 हो गया। यहां पे मैग्नीफायर दे देता है कि हम मैग्नीफायर से इसको बड़ा करते हैं या बनाते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मान लेते हैं मैग्नीफायर है, इसको हमने बड़ा किया, ये बनाने की जरूरत नहीं है। 1 और 2 क्या क्या बीच में पड़ेगा वो देखो जरा। 1 के बाद क्या आता है? तो 1.1, देन 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 एंड लास्ट में क्या हो गया 2। अब आइए जरा दूसरे पे। अब इसको देखोगे तो आप 42 है, 40-42 है, वैसे तो 42 पढ़ते नहीं है, 1.42 पढ़ते हैं, बट आप 42 है, तो जरा ये समझो 42 आपके 40 से अधिक होगा और 50 से कम होगा। तो 1.4 यानी 40 है, ये 50 है, ये जो आपका दूसरा नंबर है इसके बीच में होगा। फिर लाइन खींचो आप, यानी कि फिर आपका हुआ यहां पे कौन सा नंबर आया 1.4, यहां पे कौन सा नंबर आया 1.5, इसके बीच में क्या क्या आएगा, तो वही 1.41, 1.42, 1.43, 1.44, 1.45, 1.46, 1.47, 1.48, 1.49 एंड 1.5। अब आगे आओ, फिर से थोड़ा सा आगे बढ़ो। अब जरा देखो तो ये जो नंबर आपका है 423 हो गया, इसको मान लो
410, 420, 430, 440 जीरो सबके आगे उसी तरह होता है। तो 430 कहाँ होगा, 420 से ऊपर और 430 से नीचे। आप फिर से वही काम कर दो, एक नंबर यहां से एक नंबर यहां से। अगर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, इसी को आप नीचे बनाओगे, जगह न होने का हम साइड में बना रहे, तो यहां पे आपका हो गया ये चीज कितना आ गया आपका 1.42 और लास्ट वाला कौन सा आपका 1.43। ठीक है, क्या क्या बीच में पड़ेगा 1.421, 1.422, 1.423, 1.424, 1.425 डैश 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 1.429 देन 1.43। दिखाना कितना था आपको 1.423, तो 1.423 ये आपका नंबर लाइन हो गया, यही आपका हो गया 1.423, यही आपका आंसर। यानी इस तरह से आप इसको दिखाते हो कैसे नंबर इसके मैग्नीफायर के द्वारा यानी संख्या रेखा पर कैसे नंबर दिखाई देते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए, आगे दूसरा एग्जांपल देखते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। इसको इरेज करते हैं, क्या है नंबर आपका 2.4314। अब आप इसको देखोगे तो ये नंबर आपका दो से अधिक है। चलिए एक नंबर लाइन बनाते हैं, यहां पे आपका मान लेते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 2.4 है, दो से अधिक है, एक आपका दो से निकलेगा दूसरा तीन से जाएगा, तो आप दो और तीन से निकले। फिर वही काम, यहां पे आपका दो, यहां पे आपका तीन, करेक्ट। अब क्या क्या बीच में आया बोलो, अब तो बोल दो 2.1, वेरी गुड, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 एंड 3। देन अब जरा चेक करो आप, यहां पे ये 2.4 था, 4 के बाद क्या आ गया 3। अब इसको मैं देखूं तो फिर वही काम, ये हमको 43 लग रहा है, 43 यानी कि 20, 30, ये 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, 50, तो 43 कहां पड़ेगा 40 और 50 के बीच में, तो एक लाइन यहां से आएगी और एक लाइन यहां से जाएगी। आप इसको अच्छे से बनाइएगा स्केल वगैरह से, ठीक है, यहां से आई और यहां पे एक नंबर लाइन हो गई, तो ये जो यहां से आई है वो 2.4 थी और जो लास्ट में गई है वो 2.5 है। फिर 2.4 के बाद 1, 2.42, 2.43, 2.44, 2.45, 2.46 डैश डैश आगे बढ़ती जाएगी 2.49। अब और आगे चाहिए 431 हो गया, या आप चाहे तो सिर्फ नॉर्मल इसको भी देख सकते हैं, लास्ट वाले को भी 31 हो गया। कहां पे आएगा 431, तो ये 420, 430, 440, 31 30 से अधिक 40 से कम, एक यहां से निकलेगा और एक यहां से निकलेगा। आप फिर लाइन खींचो, आपने यहां दिखाया 2.43 और यहां पे दिखाया 2.44, फिर इसके बीच में कौन कौन आएगा 2.431, 2.432, 2.433 डैश 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 आगे बढ़ते जाइए 2.439। अब फिर से आगे बढ़िए, कितना था 4314, या लास्ट में देख लेता हूं 14, 14 कहाँ आएगा 10 से अधिक और 20 से कम, तो यहाँ पे एक था यानी 10 से ये 20 है, इसके बीच में, तो मैंने दिखा दिया एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। आप इसको अच्छे से अपने कॉपी में बना लीजिएगा, तो ये हो गया 2.431 और यहाँ पे हो गया 2.432। क्या क्या बीच में आएगा 2.4311, 2.4312, 2.4313,
2.4319 एंड हमको दिखाना कितना था 2.4314 यानी ये वाला 2.4314 यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो जो भी नंबर आपके इस तरह के होंगे आपको बस मैग्नीफायर समझिए कि बड़ा करते जाना है, उसको खोलते जाना है, ये चेक करते रहना है किसके बीच में कौन सा आएगा। आप इसको अच्छे से स्किल से बनाइएगा, ठीक है, तो और चीजें अच्छे से हो जाएंगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही, आप इसको अच्छे से बना लीजिए, आपके बुक में जितने भी होंगे आवर्धित करके या जो भी मैग्नीफायर के यूज करके सवाल होंगे उन सवालों को आप सॉल्व कीजिएगा। अगला वीडियो अगले क्लास में बात करते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ बेल आइकॉन की घंटी इसको आप प्रेस कर दें तभी आपको कोई भी नोटिफिकेशन होगा तो मिलेगा। ठीक है, तो चाहते हैं आपको सारी वीडियो प्रोवाइड हो तो उसको क्लिक कर दें। धन्यवाद।